अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बन रहे हैं जिंगर बर्गर। मैंने सोचा कि उनकी रेसिपी रिकॉर्ड कर ली जाए। इसके लिए जो है मैंने इस तरीके से जो है पीसेस लिए हैं, ठीक है। कोई इसमें छोटा होगा कोई बड़ा होगा तो वो हम जो है एडजस्ट कर लेंगे किसी न किसी तरह, क्योंकि यहाँ जो है 10 जिंगर बर्गर्स बनेंगे। ये देखें, ठीक है, ये 1 किलो बोनलेस है और इसके इस तरीके से हमने पीसेस कर लिए हैं। अब इसमें जो है हम लोग स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। चलिए जी, इसमें जो है मसाले ऐड करती हूँ मैं, फिर आप लोगों को जो है शो करवाती हूँ। सबसे पहले इसमें सिरका ऐड करना है हमने और उसको थोड़ी देर के लिए जो है छोड़ देना है। चलिए जी, मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं। अब जो है नमक ऐड कर रही हूँ, उसके बाद 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक हो गया। 2 टेबल स्पून जो है सोया सॉस ऐड होगा इसमें, क्योंकि चिकन ज़्यादा है, और 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस। बाकी 2 टेबल स्पून हमने सिरका ऐड करके जो उसको रख दिया था थोड़ी देर, ठीक है। चलिए जी, यहाँ मैंने जो सारे स्पाइसेस ऐड कर दी हैं, अब जो है इसको मिक्स करके हम लोग मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। और फिर जो है इसका जो, अच्छा मैंने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा रखी हैं क्योंकि फिर जो है ना क्या कहते हैं, अंदर से भी चिकन जो है ना इसकी बिल्कुल फीकी निकल रही होती है, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसेस आपने इसके अंदर ज़्यादा ऐड करने होते हैं, तो फिर ये अच्छी तरीके से जो है ना सब चिकन में जो है मिक्स हो जाते हैं सारे स्पाइसेस, तो अंदर से बिल्कुल फीकी और बेमज़ा नहीं निकलती जब हम इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे तब। ये चिकन जो है मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं कम अज़ कम 2 से 3 घंटे के लिए। सो जी, यहाँ अब जो है हमने मैदा ले लिया है। अब मैदे में जो है हम ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये हमारा जो है हमारी कोटिंग रेडी हो जाएगी। इसमें से थोड़ा सा जो है हम क्या कहते हैं बैटर निकालेंगे और उसमें जो है पानी ऐड करेंगे, पहले उसमें डिप करेंगे फिर इस बैटर में डिप करेंगे इस तरह। चलिए जी, ये मैंने जो है 2 बाउलों में कर लिया है इसको, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम पानी ऐड करके इसको जो है बिल्कुल क्या कहते हैं लिक्विड टाइप कर लेंगे, और पानी हम लोगों ने पहले ये वाला ऐड करना है। चलिए जी, अब जो है हम लोग पहले इसको इस पानी में ऐड करेंगे, ठीक है, फिर इसको जो है इसमें कोट करेंगे, फिर अगेन इस पानी में जाएगा। वैसे सादा पानी भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो हमने ये वाला पानी ऐड कर रहे हैं ना, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, चिकन जो है फीकी फीकी नहीं रहेगी। अच्छा जी, ये देखें, अब जो है ये सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं कोटिंग करके, अब इनको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है इसकी फाइनल लुक चेक कराऊंगी। ये सॉस दिखाओ, और यहाँ पे जो है सॉस भी हमने रेडी कर लिया है, और इसकी जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं सारे आप लोगों को जो है कार्ड में मेंशन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है पहले से रेडी कर लिया था। और इस सॉस में क्या क्या ऐड किया है वो मैं सब जो है ना कार्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग उसमें से जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जिंगर का हमारा सॉस आ गया, ये चिकन आ गई, और ये वाले जो है बन आ गए हैं। बस जो है अब जो है हम रेडी कर लेते हैं अपनी चिकन को फ्राई करके। अच्छा, ये जो है फ्राई करने रख दिया है मैंने, अब ठीक है, अब इनको जो है हम टर्न कर लेते हैं। एक मैं लुक आप लोगों को करीब से चेक करवाती हूँ, ये देखें।